जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ तहसील अलीपुर में मकबूल चौक के मकाम पर, जहाँ पर जो है ना अपना असीम मलिक और डॉक्टर आसिया सदीक की गिरियाई के लिए जो ना एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस समय हमारे साथ जो ना मौजूद है अल मोहम्मद वेलफेयर फाउंडेशन के मलिक अदरीस अबू बकर गुल मुजी, जानते हैं उनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मशकूर तमाम साफी बिरादरी का कि उन्होंने जो है कवर किया। इस वक्त जो है अलीपुर की तहसील के अंदर जो है तमाम साफी तंजीमें भी इकट्ठी हैं, समाजी तंजीमें भी इकट्ठी हैं और शाही तंजीमें भी इकट्ठी हैं। हमारी जिले जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजरत रहनुमा जनाब यासीन मलिक साहब की रिहाई के लिए जो ये पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई जनाब खुर्शीद खान गोपांग साहब भी मौजूद हैं, तहसील नेशनल प्रेस क्लब अलीपुर के जो है जनरल सेक्रेटरी साहब, उनके भी हम मशहूर हैं कि उन्होंने जो है ना टाइम दिया, उन्हें कवर किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा जो मुतालबा है दो टोक है, इसमें कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं है, ना दो राय है। हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहिए और साथ डॉक्टर मलिक यासीन मलिक की रिहाई चाहिए। इसके ऊपर अगर ये ना किया गया तो हमारा ये दो टोक हुकूमत को आज वाजे पैगाम है कि अगर जो है ना इन्होंने ये कुछ टाइम के अंदर ना किया इंतखाबात से पहले तो हम जो है इंशाल्लाह वोट बॉयकॉट करेंगे और वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इस वक्त मेरे साथ और शरीफ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस रैली में शिरकत की। हम जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मकबूल चौक पर इस टाइम मौजूद हैं। ये कोई एक सियासी तंजीम या पार्टी या ग्रुप नहीं है, ये एक समाजी इदारा है, समाजी लोग हैं और इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले, जज्बा रखने वाले ये लोग हैं। हमारा आज मकसद इकट्ठा होने का ये है कि उनके जो सजाए मतलब है कि मुकर्रर की गई है उम्र कैद की, उसके सिलसिले में हम यह एक रैली निकाल रहे हैं। जब तक मलिक यासीन की सज़ा ख़त्म नहीं की जाती, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हुकूमत मुतालबा करते हैं कि मलिक यासीन की रिहाई को यकीनी बनाया जाए और जल्द अज जल्द इसकी उम्र कैद की सज़ा को ख़त्म किया जाए।